आज सबसे ज्यादा अगर माहौल चल रहा है वो है कि एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे की गीबतें करना, एक दूसरे की चुगलियां करना, एक दूसरे की कमियां निकालना, एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना और उनको चोर डकैत ज़िनाकारी का शराब नोशी का हर चीज का दाग उन पर लगाया जाया जाता है और उसको अपने लिए फख्र महसूस करते हैं। हम अपने लिए उसको फख्र महसूस करते हैं, हम उसकी बुराइयां तलाश करते हैं जिस ईमान की हम तकलीद कर रहे हैं। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, अगर कोई मुसलमान है और उस मुसलमान के अंदर 99 बुराइयां हैं और एक ईमान की अलामत पाई जा रही है तो हम कान खोलकर सुन लो कि उन 99 बुराइयों को नेस्तो नाबूद करके 100 बुराइयां जो आखिरी बुराइयां हैं, जो आखिरी ईमान की अलामत है, जो 100 उसके अंदर 99 बुराइयां हैं और एक अच्छाई है, तो आप उन 99 बुराइयों पर पानी फेर दीजिए और एक अच्छाई को बयान कर दीजिए। यह हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा है। अगर हमारे अंदर कोई 99 बुराइयां पाई जा रही 99 और एक बुराई एक अच्छाई है, एक ईमान की अलामत उसके अंदर पाई जा रही है, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा है कि वो उस 99 बुराइयों को छोड़ दे और एक अच्छाई को बयान करे। अगर आप एक अच्छाई को बयान नहीं करोगे, 99 बुराई को बयान करोगे, तो वो जो अच्छाई है वो भी मासीयत के अंदर बदल जाएगी।